पाकिस्तान के मशहूर टीवी होस्ट, कॉमेडियन और इमरान खान की पार्टी के सांसद आमिर लियाकत की पत्नी सईदा दानिया शाह ने उनसे तलाक मांगा है। आमिर लियाकत ने कुछ महीने पहले ही खुद से 31 साल छोटी लड़की से शादी की थी, जिसे लेकर वो काफी सुर्खियों में रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, जिस वजह से एक बार फिर आमिर लियाकत का तलाक चर्चा में बना हुआ है। आमिर लियाकत पर उनकी पत्नी दानिया शाह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सईदा दानिया शाह ने आमिर पर मारपीट, ड्रग्स लेने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए और तलाक की मांग की। इन आरोपों की वजह से आमिर ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला तक ले लिया था। अब आमिर लियाकत ने अपनी शादी टूटने की वजह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को बताया है। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज का एक ऑडियो कॉल वायरल हुआ है, जिसके बाद आमिर लियाकत ने इमरान खान पर अपनी शादी के टूटने का कारण बताते हुए इस मामले में आमिर लियाकत ने इमरान खान को श्राप तक दे दिया। आमिर लियाकत ने कहा कि तुमने मेरा घर तोड़ा है दोस्त, बचोगे तुम भी नहीं। मैं जा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें बुशरा बेगम छोड़ कर जाएंगी। सब पता चल गया है तुमने किसके जरिए कितने पैसे भिजवाए, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पैसों से ही काम होगा। दुआ है कि मेरा रब कि तुम चुनाव कभी ना जीतो। दरअसल जो ऑडियो कॉल वायरल हुई है, उसमें रियाज को ये कहते सुना जा सकता है कि इमरान खान पीपीपी के को चेयरमैन के साथ पैचअप करना चाहते हैं। आमिर ने यह कथित ऑडियो क्लिप अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है, जो इन दिनों इमरान के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।